हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता, जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बात करने वाले हैं। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश के यूज़ में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इस टेंस का जो यूज़ है वो हम क्या करते हैं, जो रूटीन वर्क होता है हमारा या जो हमारी हैबिट होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जिस भी काम को हम रोज़ करते हों, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ठीक है, हम लगातार जिस काम को करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, हम धीरे धीरे उस पर बात करते चले जाएंगे, लेकिन जो पहला यूज़ है उसको हम समझते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के जिस फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है हम वो यूज़ करते हैं और वर्ब के एस फॉर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और एस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। जैसे हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, ठीक है, ही, शी, उसके बाद कोई सा भी नेम ले सकते हैं जैसे सोना, ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो वी, दे, ठीक है, और यू, ये हमने सब्जेक्ट्स ले लिया। इसके साथ हमको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर वर्ब के एस फॉर्म का यूज़ होगा और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है और डायरेक्ट वर्ब पुट करना है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई सा भी सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए हम किसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, किसके साथ एस फॉर्म का यूज़ करेंगे हम समझते हैं। ये जो सिंगुलर फॉर्म है इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। सिंगुलर का मतलब हिंदी में एक वचन हुआ, तो यहाँ पर देखिए ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, और ये वह जो है ये सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है और सोना भी सिंगुलर है। ठीक है, सोना का मतलब सोना ही होगा, तो सोना जो है वो भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, सोना एंड मोना, तो अब ये क्या हो गए, दोनों प्लूरल हो गए। ठीक है, यहाँ पर सोना क्या है, सिंगुलर है, अगर हम सोना और मोना यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, एस फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसका एक्सेप्शन है आई और यू। ठीक है, आई भी सिंगुलर है लेकिन हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। आई क्या है, सिंगुलर है, इसके बावजूद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा एवरीडे वर्क या फिर एवरी वीक वर्क या रूटीन वर्क क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, तो अगर मान लीजिए आप रोज़ सुबह उठते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उठना को गेट अप या वेकअप बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ मैं उठता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई गेट अप। ठीक है, आई के साथ आपको डायरेक्ट यूज़ करना है गेट अप, आई गेट अप। ठीक है, हम उठते हैं, वी गेट अप, वे उठता है, वे लोग उठते हैं, दे गेट अप, आप उठते हो, यू गेट अप। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको गेट नहीं क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेट्स अप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेट्स अप। तो ही गेट्स अप, सी गेट्स अप, सोना गेट्स अप। इज इट क्लियर, आई गेट अप, ही गेट्स अप, सी गेट्स अप, सोना गेट्स अप, वी गेट अप, दे गेट अप, यू गेट अप। क्लियर है, जैसे मैं बोलूं कि मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूं,
या मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वॉट यू से, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो यहां पर क्या होगा, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब गो का यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, गोज का यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के साथ। तो ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सोना गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्या करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, या आई हैव ब्रेकफास्ट, यू कैन से दैट। तो अगर मैं बोलूं यहां पर, तो आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, वी टेक ब्रेकफास्ट, दे टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट। बट अगर आप ही के साथ यूज करेंगे, तो ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वॉट यू से, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, सी टेक्स ब्रेकफास्ट, सोना टेक्स ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर हम क्या करें यहां पर, मैंने आपको बताया, अगर आप सोना एंड मोना यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सोना एंड मोना टेक ब्रेकफास्ट, सोना और मोना क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सोना एंड मोना टेक ब्रेकफास्ट। क्लियर है, वी टेक ब्रेकफास्ट, दे टेक ब्रेकफास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट, इज इट क्लियर, ठीक है। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में हैं, तो आप स्कूल जा सकते हैं, गो टू स्कूल, ठीक है। हम रोज स्कूल जाते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सोना गोज टू स्कूल, सोना एंड मोना गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। क्लियर है, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं, क्या बोलेंगे, आई टेक टी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, रूटीन वर्क है, प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हम यूज करें अगर यहां पर, तो कैसे यूज करेंगे, आई के साथ देखते हैं। चलिए, आपका रूटीन वर्क कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई टेक टी। क्लियर है। अगर हम यहां पर यूज करें ही के साथ, तो सबके साथ एस फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। सबके साथ क्या लगेगा, एस फॉर्म का यूज करेंगे हम। यहां पर गेट्स हो जाएगा, यहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, यहां पर गोज हो जाएगा, यहां पर टेक्स हो जाएगा, यहां पर भी गोज हो जाएगा, और यहां पर भी टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें वह क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट। वॉट यू यूज, ही प्लेस क्रिकेट, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही गोज टू स्कूल, ही टेक्स टी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखने को हम क्या बोलेंगे, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना, लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एस फॉर्म का यूज करेंगे। ही लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स इंग्लिश, सोना लर्न्स इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव फॉर्म। आई होप कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहां पर समझ लिया होगा कि किसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, किसके साथ सिंपल फॉर्म का यूज करेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो आपको यूज करना यहां पर आई डू नॉट, ठीक है।
आप यहाँ पर आई डू नॉट का यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज आई डोंट, डू नॉट और डोंट। तो यहाँ पर हम डू नॉट का यूज करेंगे एंड सिमिलरली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे ही और सिंगुलर फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर डज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको बस इतना याद रखना है, ही डज नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। ये जो एस फॉर्म सिंगुलर फॉर्म था वो डू में आ गया है इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। यहां पर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट और सी डजंट, ठीक है। सोना डज नॉट, सोना डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हम यूज करेंगे वी डोंट, ठीक है, और वी डू नॉट, यहां पर हम लिख लेते हैं वी डू नॉट। यहां पर हम यूज करेंगे दे डू नॉट और हम यहां पे यूज करेंगे यू डू नॉट, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, यहां पर इसका निगेटिव टाइप बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलना। तो अगर आपको यूज करना है यहां पर तो आप क्या यूज करेंगे, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं जल्दी सुबह उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं जल्दी सुबह नहीं उठता हूं, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। हो सकता है वो फुटबॉल खेलता हो, ही प्लेस फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। सी प्लेस लूडो, सी डज नॉट प्ले कैरम, सी प्लेस लूडो, सी डज नॉट प्ले कैरम। आपको ध्यान देना है, हम यहां पर बोल रहे हैं सी प्लेस, सी प्लेस क्रिकेट, सी प्लेस लूडो, सी डज नॉट प्ले कैरम, सी डज नॉट प्ले कैरम, ठीक है। सोना प्लेस लूडो, सोना डज नॉट प्ले लूडो, सोना प्लेस लूडो, सोना डज नॉट प्ले लूडो। वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लर्न इंग्लिश का यूज करें, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, सी लर्न्स इंग्लिश, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, सोना लर्न्स इंग्लिश, सोना डज नॉट लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, You learn English, you do not learn English. Clear है? अब इसी का हम क्या कर सकते हैं, interrogative type बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो do और does helping verb है इसको हम क्या करेंगे, सामने ले आएंगे और जो subject है वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे से do आएगा तो do I, verb का first form। यहां पर हो जाएगा डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हो जाएगा डज सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हो जाएगा डज सोना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हो जाएगा डू वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हो जाएगा डू दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हो जाएगा डू यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपको याद रखना है इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर लीजिए, ठीक है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कीजिए, ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्लूरल है तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो एस फॉर्म का या सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। इज इट क्लियर?
चलिए अब देखिए हम यहाँ पर कुछ बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा रूटीन वर्क है, ठीक है, या मैं कहूँ कि मैं हर हफ्ते, ठीक है, पिकनिक पे जाता हूँ, तो पिकनिक पे जाना वी कॉल गो फॉर अ मॉर्निंग, गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, गो फॉर अ पिकनिक मतलब पिकनिक पे जाना, ठीक है, आप हर हफ्ते पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँ मैं हर हफ्ते पिकनिक पे जाता हूँ, तो बोलूँगा आई गो फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, ही गोज फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, सी गोज फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, सोना गोज फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, वी गो फॉर अ पिकनिक, दे गो फॉर अ पिकनिक, यू गो फॉर अ पिकनिक, आई डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, ही डज नॉट गो फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, शी डज नॉट गो फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, सोना डज नॉट गो फॉर अ पिकनिक एवरी वीक, ठीक है, सिमिलरली वी डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक, दे डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक, यू डू नॉट गो फॉर अ पिकनिक, डू आई गो फॉर अ पिकनिक, डज ही गो फॉर अ पिकनिक, डज शी गो फॉर अ पिकनिक, डज सोना गो फॉर अ पिकनिक, डू वी गो फॉर अ पिकनिक, डू दे गो फॉर अ पिकनिक, डू यू गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ बोलते चलिए, तो आपको ये थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया गो फॉर अ पिकनिक से। अगर हम यहाँ पर कोई और वोकैब ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर आपको मान लीजिए मैगी खाना है तो आप यूज़ करेंगे ईट मैगी, ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, ईट मैगी का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ईट मैगी का, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं मैगी खाता हूँ, आई ईट मैगी, मैं मैगी नहीं खाता, आई डू नॉट ईट मैगी, क्या मैं मैगी खाता हूँ, ऐसा प्रश्न आप पूछोगे क्या, नहीं, डू आई ईट मैगी आप अपने से कैसे पूछोगे, तो हम जनरली पूछते हैं डू यू ईट मैगी, क्या आप मैगी खाते हो, डू यू ईट मैगी, क्लियर है, ठीक है, ही ईट्स मैगी, यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, ईट्स का यूज़ करेंगे, ही ईट्स मैगी, सी ईट्स मैगी, सोना ईट्स मैगी, वी ईट मैगी, दे ईट मैगी, यू ईट मैगी, क्लियर है, आई डू नॉट ईट मैगी, ही डज नॉट ईट मैगी, सी डज नॉट ईट मैगी, सोना डज नॉट ईट मैगी, वी डू नॉट ईट मैगी, दे डू नॉट ईट मैगी, यू डू नॉट ईट मैगी, क्लियर हो रहा है, डू आई ईट मैगी, डज ही ईट मैगी, डज सी ईट मैगी, डज सोना ईट मैगी, डू वी ईट मैगी, डू दे ईट मैगी, डू यू ईट मैगी, क्लियर है, तो हम क्या करते हैं अपने हैबिट को या एवरीडे वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हम कहें मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज, क्लियर है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, क्लियर है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, क्लियर है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है, इसे आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, और यहाँ पर आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रीड का, स्पीक का, ठीक है, टेल, टेक, हैव, एनी वर्ब यू वॉन्ट टू यूज़, यू कैन यूज़ इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंस एस, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वन मोर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्लियर है, सिमिलरली आप बहुत सारा वर्ब यूज़ कर सकते हैं, आप पुट करते चले जाइए, एक सब्जेक्ट के साथ तीन सेंटेंस आपको बनाना है, क्लियर है, क्लियर है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज से स्पीक इंग्लिश, सोना स्पीक्स इंग्लिश, सोना डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज सोना स्पीक इंग्लिश, क्लियर है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगली क्लास में हम अगला टेंस पढ़ेंगे,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।